जरा सोच के बताओ, what does war mean? Freedom, patriotism, democracy, इन सबसे ज्यादा war means money. कारगिल वॉर में इंडिया ने $1 billion पर वीक खर्च किए थे. इराक एंड अफगानिस्तान में यूएस ने 20 लाख सोल्जर्स भेजे थे. $4.5 billion पर एनम उनका सिर्फ एसी बिल आया था. एंड द कॉस्टलियस्ट वॉर इन हिस्ट्री World War II, इसमें खर्च हुए थे $4 trillion. बट इतना पैसा सरकार के पास आता कहां से है? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर I, जब जर्मनी को पैसा चाहिए था वॉर को फंड करने के लिए, तो दे डिसाइडेड टू बोरो मनी. उसके लिए जर्मन गवर्नमेंट ने इशू किए गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो कि खरीद लिए राइक्स बैंक ने, जर्मनी का सेंट्रल बैंक, और बदले में सरकार को दे दिए फ्रेशली प्रिंटेड नोट्स. बट यू सी, नोट प्रिंट करने का मतलब फ्री मनी नहीं होता, इट इज बोरोड मनी. एंड जब वॉर खत्म होगा तो सरकार को यह पैसा अपने सेंट्रल बैंक को लौटाना पड़ेगा. तो उस समय सरकार इतना सारा पैसा कहां से लाएगी? टैक्सेस. ये जो सिस्टम है जिसमें सरकार पैसा बोरो करती है अपने सेंट्रल बैंक से एंड नोट्स प्रिंट करवाती है, इसे एक जर्मन इकोनॉमिस्ट रिचर्ड वर्नर ने 1995 में टर्म किया था क्वांटिटेटिव ईजिंग. जब भी सरकार को इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करना होता है, सरकार क्वांटिटेटिव ईजिंग यूज करती है. एंड रिसेंटली पैंडेमिक में यूएस ने $6 trillion का डेट लिया, यानी $6 trillion फ्रेश मनी सप्लाई हुआ मार्केट्स में. इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं.